मेरे लिए बड़ा मसला हो गया, रास्ते में एक भी मस्जिद मुझे नहीं दिखी। अब मैं एक्सप्रेसवे पर आ गया हूँ, अबे 47 किलोमीटर तक सीधा है, इधर कुछ नहीं मुझे मिलने वाला। मेरे हिसाब से 10 या 12 मिनट बचे होंगे फजर का वक्त खत्म होने में, बड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे एक हदीस याद आ रही है, नबी अलैहिस्सलाम जब ट्रैवल करते थे तो सवारी पे बैठे बैठे भी नमाज पढ़ लेते थे, ऊंट पे बैठ के नमाज उन्होंने पढ़ी हुई है। इनफैक्ट जो नफली नमाज रहती थी किसी भी तरफ वो फेस करके नमाज पढ़ लेते थे, किबला की तरफ नहीं फेस करते थे, जिस तरफ सवारी चलती थी उस तरफ। फर्ज नमाज के लिए जो है किबला देखना जरूरी था, तो वो हदीस मुझे याद आ रही। मैं सोच रहा हूँ बाइक पे बैठे बैठे जिस तरफ किबला हो देख लूँ डायरेक्शन, उधर फेस करके नमाज पढ़ लूँ, वरना तो मेरी नमाज जो है कजा हो जाएगी। सो गाइस मैंने नमाज पढ़ ली, देख रहे हैं किबला इस साइड था, मतलब सीधे था इधर से थोड़ा सा टिल्ट में, तो मैंने इस तरफ फेस करके नमाज पढ़ ली है। और वैसे भी अगर कोई मजबूरी रहती है तो इंसान बैठ के भी खड़े होकर सीधे नमाज पढ़ सकता है। लिटरली मेरे तो अभी पाँव में घुटनों में चोट भी है, मैं जब पढ़ता हूँ तो दर्द होता है।